बेलगाम हुए दबंग खनन माफिया किसानों की फसलों को रौंद कर रहे हैं खनन। हमीरपुर में दबंग खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। यहां इन माफियाओं ने गरीब किसानों की खड़ी फसलों के ऊपर से मोरम से भरी ट्रक और ट्रॉली निकलवानी शुरू कर दी है। दबंगों से डरे सहमे किसानों ने मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की है। किसानों ने शिकायती पत्र देकर बताया, रिरुआ बसरिया बेतवा नदी में मोरंग का पट्टा है, जिसमें मोरंग पट्टा धारक जबरन भूस्वामियों की अनुमति बिना ही उनके खेतों से मोरम से भरे ट्रक निकाल रहे हैं, जिससे उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ये चंदौर गांव से आए हुए हैं, वहाँ पर जो बालू खनन हो रहा है, इनके खेतों से जो बड़े बड़े है जो ट्रक है जो ट्रैक्टर है ओवरलोड भरकर के इनके खेतों से निकाला जा रहा है। ना इनको जो ये लोग रोकते हैं तो इनके हित पर हावी हो जाते हैं, ना इनको उसमें है जो कोई पैसे दे रहा है, उनकी ज़मीन ख़राब कर रही है। और अगर उनको रास्ता चाहिए तो रास्ता देने के लिए किसान तैयार है, लेकिन ऐसी थोड़ी रास्ता देंगे, उनकी ज़मीन ख़राब होगी तो उसको फिर बखराई जुताई वो करवाना पड़ेगी उसको, जो उसमें पैसा लगेगा तो उसका है जो खर्चा अपना पैसा है जो अपना उनको चाहिए किसानों को। जो दूसरा है वहाँ पर है जो ये लोग है जो बार बार है जो यहाँ अधिकारियों के चक्कर लगा रहे, कई महीने से फिर रहे घूम रहे, जबरदस्त इनके खेतों से ओवरलोड ट्रक निकाले जा रहे हैं और ज़्यादा कहते तो धमकी भी इनको मिलती है। तो इसलिए इस वजह से हम किसानों को सबको लेकर के यहाँ आए हैं और इनकी समस्या का निस्तारण होना चाहिए और इनकी निजी की भूमि है, अगर सरकार को जगह चाहिए। हमारे खेतों से जबरदस्ती ट्रक निकाल रहे हैं, हम रोकने जा रहे हैं तो हमको धमकी देते हैं। हम एक बार सरीले आए, सरीला में हमने एप्लीकेशन दिया, उसने जाके उन गए नेपाल जी तहसीलदार गए, फिर उनने कहा कि जाके पुलिस द्वारा गए, उनने कहा कि गली मत चलाना, बंद है गली, रास्ता खुदवा रहे उनने लग नहीं तो हम तो यहाँ कहा था कि हमारे खेतों के नहीं निकाल, हम तो कहा था कि जो हमारे खेतों में निकाल है जो कुछ होना चाहिए। जब कुछ हम जाके हमीरपुर गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम बोल चौसरा में हम दो दिन तीन दिन कम से कम रुके हैं, हमारी सुन नहीं रहे को तब ये बातें हो रही है। इस बाबत जब किसानों ने खनन माफियाओं से बात करनी चाहिए तो उन्होंने जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। इस मसले पर एसडीएम सरीला ने तहसीलदार को मामले की जांच सौंपी है। गांव के कुछ किसान लोगों ने आज प्रत्यावेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि उनके खेतों में से होकर जो खदानों के वहां पे खदान जो है उसके ट्रक निकाले जा रहे हैं मोरम से भरे हुए, तो इस संबंध में तहसीलदार साहब से जांच कराई गई है। तहसीलदार साहब आज उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर राठ से टाइम सिटी न्यूज के लिए रईस उद्दीन की रिपोर्ट।